दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आपके पास में आयुष्मान कार्ड नहीं है तो भी आप किसी भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकते हैं, वो भी 5 लाख रुपए तक फ्री में। सरकारी हॉस्पिटल में तो इलाज होता ही है फ्री में, लेकिन बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं जिसमें पैसा लगता है, उसमें भी आप 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज करवा सकते हैं अगर आपके पास में आयुष्मान कार्ड नहीं है तो भी। कैसे इलाज होगा बिना आयुष्मान कार्ड के, इलाज कराने का प्रोसेस क्या रहेगा, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। वीडियो को पूरा देखिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी क्षेत्र में अगर आपको परेशानी है, कोई भी काम नहीं बनता है, तो आप इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन पर ही गारंटी के साथ समाधान किया जाएगा। मोबाइल नंबर है 8789625648, 8789625648। आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 24 घंटे सेवा उपलब्ध रहेगी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनता है। यह आयुष्मान कार्ड जिसके भी पास होता है, वे लोग किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज सालाना 5 लाख रुपए तक फ्री में अपना इलाज कराते हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लगभग 5,57,93,000 सरकारी और इसमें बहुत बड़ा बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल भी शामिल है, जिनके पास में आयुष्मान कार्ड होता है वे लोग जाकर के अपना इलाज कराते हैं। लेकिन जिनके पास में आयुष्मान कार्ड नहीं है, वे लोग कैसे इलाज कराएंगे, इस वीडियो में चलिए मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के क्रोम ब्राउजर में गूगल को ओपन करना है। सर्च बॉक्स में आपको pmjay.gov.in सर्च करना है। आप इस वेबसाइट पर आ जाइएगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए आई एम एलिजिबल का एक ऑप्शन दिखाई देता है, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर 10 अंक का डालना है। ये वाला जो कैप्चा दिखाई देता है, इस बॉक्स में आपको कैप्चा को फिल करके यहाँ से जेनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओटीपी डालने का ऑप्शन आ जाएगा। इस बॉक्स में आपको जो मोबाइल नंबर पर आपके ओटीपी गया है, उस ओटीपी को फिल करना है। यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे ओटीपी डाल लिया हूँ। अब यहाँ पे आपको इस बॉक्स में टिक कर देना है और यहाँ से सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ से सबसे पहले स्टेट को सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे भारत के सभी स्टेट आपको देखने को मिल जाएगा। जिस भी स्टेट से आप आते हैं, आप अपना स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट कर ले। तो मैं यहाँ से स्टेट को सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ से आपको सेलेक्ट कैटेगरी पर क्लिक करके यहाँ से देखिए आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलता है। सर्च बाई नाम, सर्च बाई HHD नंबर, सर्च बाई राशन कार्ड नंबर और सर्च बाई मोबाइल नंबर। तो आपके पास में राशन कार्ड का नंबर है तो उस नंबर के माध्यम से भी यहाँ पे सर्च कर पाएंगे, या फिर HHD नंबर से भी सर्च कर पाएंगे, या फिर मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च बाई नाम का ऑप्शन ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें ये होता है कि उस नाम से जितने भी लोग होंगे उनका सभी का लिस्ट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले उनका नाम डाल देना है, जिनका नाम सर्च करना चाहते हैं उनके पिता का नाम यहाँ पे डाल देना है, उनका माता का नाम डाल देना है, यहाँ पे उनके पत्नी का या पति का नाम डाल देना है, यहाँ पे मेल को मेल है या फीमेल है जो भी है यहाँ से सेलेक्ट कर ले। एक यहाँ पे एज उनका डाल देना है, यहाँ से रूलर है या अर्बन है यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से है तो रूलर को सेलेक्ट करेंगे, अर्बन से है यानी शहरी से है तो अर्बन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे, जैसे मैं यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम डालने के बाद यहाँ से विलेज का नाम डालना होगा। तो मैं यहाँ पे विलेज का भी नाम डाल देता हूँ। उस विलेज में जितने भी उस नाम से लोग होंगे सभी लोगों का यहाँ पे लिस्ट आएगा। तो मैं यहाँ पे विलेज का नाम डाल दिया। यहाँ पे पिन कोड आपको डालना होगा, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है यहाँ पे डाल दे। उसके बाद यहाँ से आपको खोजे पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ देर वेट करने के बाद इस प्रकार से लिस्ट आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने यहाँ पे नाम डाला है उस नाम से यहाँ पे जितने भी लोगों का लिस्ट में नाम है सभी आ गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये आप देख सकते हैं कि HHD नंबर ID जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ये आपका HHD नंबर है। इस नंबर के माध्यम से भी यहाँ पे आप खोज सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे HHD नंबर से भी आप खोज सकते हैं। तो यही आपका HHD नंबर है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, मान लेते हैं कि इस व्यक्ति का अप्लाई करना है।
तो यहाँ पे आप देखिए फैमिली डिटेल्स का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको कुछ देर वेट करना है, वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से डिटेल्स आ जाता है, डिटेल्स को देख लेना है। इसके फैमिली में जितने लोगों का नाम है यहाँ पे आ जाता है, इन सभी का यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे करके आप देख सकते हैं उनका नाम यहाँ पे मिला सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए गेट डिटेल्स ऑन SMS विवरण प्राप्त करें, यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिया गया है इसी पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब जो है सो उस के मोबाइल नंबर यहाँ पे फिर से डालना होगा, इस व्यक्ति का जो भी मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे आप दे दे, कोई भी मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं जो मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। उसके बाद ये वाला कैप्चा जो दिखाई देता है इस बॉक्स में फिल कर देना है। कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल पर एक SMS आता है जो कुछ इस प्रकार से SMS आपको दिखाई देता है, इस मैसेज आ जाता है, तो उस माध्यम से आप CSC के माध्यम से कार्ड बना सकते हैं या फिर अपने से भी आप कार्ड बना सकते हैं। लेकिन एक बात और हम आपको बता दें कि यहाँ पे अगर आप कार्ड नहीं भी बनवाते हैं, अगर आपका इस सूची में नाम है, लिस्ट में नाम है, तो भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो लिखा हुआ है इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपका नाम PMJAY लाभार्थी सूची में है तो आप इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। यानी कि आपके पास कार्ड भी नहीं है और इस योजना के लिस्ट में नाम है तो आप यहाँ पे लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए आपके पास में इस लिस्ट में नाम होना चाहिए और आपके पास में ये जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया है इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट एक आपके पास होना चाहिए, लाइक आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट का कोई भी एक ID होना चाहिए जिस पर आपका फोटो होना चाहिए, या इसमें बर्थ सर्टिफिकेट हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, मनरेगा जॉब कार्ड हुआ, किसान फोटो बुक हुआ, पैन कार्ड हुआ, वोटर ID कार्ड, डिसेबिलिटी कार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी, जो भी यहाँ पे आपके पास एक आइडेंटिफिकेशन के लिए जो भी कार्ड है तो उस कार्ड को ले जा करके और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर दिया गया है। या फिर आप इसको लेकर के और उस हॉस्पिटल में जाएंगे जहाँ पे आयुष्मान कार्ड योजना के तहत उस हॉस्पिटल को जोड़ा गया है तो वहाँ पे आपका इलाज भी होगा और वहीं पे इस लिस्ट के माध्यम से जो आपके पास में SMS आया है उसी माध्यम से आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। 100% नहीं भी बनता है तो आपका इलाज यहाँ पे इस सूची में नाम है तो हो जाएगा, इसमें आपको कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत इलाज की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे इलाज कराया जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको हॉस्पिटल में विजिट करना है, जिस भी हॉस्पिटल में आप जाना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जुड़ा हुआ हॉस्पिटल है। जाने के बाद में आप वहाँ पे देखिएगा कि उस हॉस्पिटल में आपको एक आरोग्य सेतु का यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का वहाँ पे हेल्प डेस्क आपको देखने को मिल जाएगा। उस हेल्प डेस्क पर आपको जाना है, उस काउंटर पर आपको जाना है और वहाँ पे काउंटर पर जाने के बाद में आपका वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होता है, वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन किया जाता है, पहचान किया जाता है कि आपके आयुष्मान कार्ड के युग आप हैं या नहीं। तो वहाँ पे आपको अपना आधार नंबर बताना है, वहाँ पे आप जैसे ही आधार नंबर आप ना बताते हैं तो उस आधार नंबर के माध्यम से आपका वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कर लिया जाता है, यानी कि आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है उस पर एक OTP जाता है, उस OTP को आप बताइएगा तो वहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाता है। अगर इन केस आपके आधार से मोबाइल नंबर जो जुड़ा हुआ है वो गुम हो गया है, मोबाइल नंबर आपके पास में नहीं है, तो वहाँ पे थंब की प्रक्रिया से यानी कि अंगूठे लगा करके आपका वेरिफिकेशन कर लिया जाता है, या फिर आइरिस के माध्यम से भी वहाँ पे वेरिफिकेशन करके ये जाना जाता है कि आप आयुष्मान कार्ड के योग्य हैं या नहीं। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कम्प्लीट हो जाता है तो आप आयुष्मान योजना के अंतर्गत स्कीम जो आती है 5 लाख रुपए का, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आपसे हो सके कि वोटर ID कार्ड भी मांगा जाए या कोई भी और आइडेंटिफिकेशन के लिए आपसे कुछ पहचान पत्र मांगे जा सकते हैं। उसके बाद में आपको वहां से एक रिसिप्ट मिलेगा, उस रिसिप्ट को लेकर के आप डॉक्टर के पास में जाइएगा और आप अपना ट्रीटमेंट आप करा लीजिएगा। जो भी ट्रीटमेंट होगा आपके आयुष्मान कार्ड से वहाँ पे काट लिया जाता है पैसा, जो आपको साल का 5 लाख रुपया मिलता है। ये पैसा आपको 5 लाख रुपये केवल और केवल हॉस्पिटल वाले को मिलेगा, आपके खाते में नहीं आएगा। तो आप इस प्रकार से आयुष्मान कार्ड से अपना इलाज करा सकते हैं, आपके पास में कार्ड हो या नहीं हो दोनों तरीका से आप इलाज करा सकते हैं। आई होप मैंने जो भी आपको जानकारी दिया यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।